हमारे कवारे क्लाइंट बोलते हैं कि सर हमारा इनविटेशन आ चुका है, वीजा अप्लाई कर दिया है, आप हमें शादी क्यों नहीं करने देते अभी? रीजन है कि आप शादी नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब से आपका इनविटेशन आता है और जब तक आपका वीजा ग्रांट नहीं होता है, उस बीच में अगर आप मैरिज करते हो तो आपने जो सिंगल होने के 10 पॉइंट्स क्लेम किए थे वो आप लूज कर देते हो और वहां पे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको रोकते हैं कि शादी नहीं करनी है। अब इतना टाइम रुके हो तो जब तक आपका वीजा ग्रांट नहीं हो जाता है तब तक शादी नहीं करनी है। तो प्लीज बी केयरफुल, एंड अगर आप भी सेम सिचुएशन में हो तो ध्यान रखिएगा, आपका इनविटेशन आया है उस दिन से लेके आपका वीजा ग्रांट होने तक अगर आपने सिंगल के पॉइंट 10 पॉइंट्स क्लेम किए हैं तो आप मैरिज नहीं कर सकते। आपको वीजा ग्रांट होने के बाद ही मैरिज करनी चाहिए। दैट इज एन एडवाइस फ्रॉम अ माइग्रेशन एजेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।